संविधान का भाग तो है 6 और अनुच्छेद की बात आएगी तो 214 से लेकर 231, ठीक है। खासकर ये याद रखना है आपको कि ये जो अनुच्छेद 214 है ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, ठीक है। ये दो बात याद रखनी है। इसके अलावा राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया, ये पूरी बात याद रखनी है कि उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 1949 को, किसके द्वारा, स्वाई मानसिंह द्वारा, और स्वाई मानसिंह के समय कौन थे तो याद रखना राजप्रमुख, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके अलावा ये भी खास बिंदु है याद रखना, जैसे प्रमुख पीठ कौन सी है या फिर खंडपीठ कौन सी है, अच्छा खंडपीठ कब बनी ये सही जरूर याद रखना। अच्छा वर्तमान के अंदर कुल न्यायाधीशों के पद कितने स्वीकृत हैं याद रखना 50। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है तो के वर्मा, कमलकांत वर्मा। वर्तमान में कौन है अभी तो याद रखना एजी मसीह है। और इसके अलावा ये एक नोट वाली बात जरूर याद रखनी है, राजस्थान में एकीकरण से पहले भी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा के अंदर न्यायालय थे। और उसके अलावा जोधपुर पीठ के अंदर कितने जिले क्षेत्र अधिकार, 18, जोधपुर के अंदर 18 और जयपुर में 15, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने की संभावना 100% रहती है। तो